नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के राजसमंद से। जी आपको बता दें, राजसमंद से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां राजसमंद के अमेठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें राजसमंद के आमेट थाना क्षेत्र के आगरिया की ये पूरी जो घटना है बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के काफिले की एक बड़ी जो गाड़ी है उसका भीषण एक्सीडेंट बताया जा रहा है, और काफिले की गाड़ी के सामने जो बैल है, जानवर है एक तरह का, वो आ जाता है, जिसके कारण ये जो पूरा हादसा है ये हुआ है, काफी गंभीर जो हादसा है, भीषण हादसा बताया जा रहा है। साथ ही गाड़ी के ड्राइवर की जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद इस पूरे हादसे के बाद आरके अस्पताल में ड्राइवर को भर्ती कराया गया है। मावेशी के अचानक दौड़ कर कार के सामने आ जाने से ये पूरा जो हादसा है ये बताया जा रहा है। अचानक कार चलती है, पूरा काफिला है दिया कुमारी जी का जो चल रहा था, उसके बाद अचानक से जानवर सामने आ जाता है और ये जो पूरा हादसा है उसके बाद होता है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रमोद जोशी राजसमंद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये पूरा जो हादसा है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, पूरा हादसा कैसे हुआ, और ये जानना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी का कहाँ का दौरा था, क्या कार्यक्रम था उनका। मैडम, बिल्कुल, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के माता जो पारस कुमार है उनके देहांत पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी वहां पर शोक प्रकट करने पहुंची थी, जहां पर उनके काफिले में शामिल एक कार का दो बैल आपस में झगड़ रहे थे, जो अचानक सामने आने से एक हादसा हो गया है, जिसकी जो जो ड्राइवर है उसको, मतलब ये बताया जा रहा है कि उसका एयर बैग खुलने से ज्यादा चोटिल न होकर घायल अवस्था में उसको आरके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये जानना चाहेंगे कि हादसे में जो कितने लोग हैं ये आहत हुए, कौन कौन जो है किनका एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग आहत बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। मैडम, इसमें जो ड्राइवर जो है आगे से उसी को चोटें हैं, एयर बैग की वजह से आई है, ज्यादा हादसा नहीं हुआ है, खाली घायल अवस्था है। हादसे में ड्राइवर को वहां जो है आरके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी जी, हम ये भी साथ में जानना चाहेंगे, काफी जो बड़ा काफिला है, जैसे कि हम विजुअल में देख पा रहे थे कि काफी जो गाड़ी है, भीषण एक्सीडेंट जो है देखा जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे क्या डिप्टी सीएम सेफ है, दिया कुमारी जी की बात कर रही हूँ, क्या वो सेफ है, उनकी गाड़ी में किसी तरह की कोई आहत, कोई एक्सीडेंट कुछ तो नहीं हुआ। नहीं, इस मामले में दिया कुमारी जी की गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, उनकी गाड़ी में जो काफिला जो शामिल था उसमें से एक कार का दो बैल आपस में झगड़ रहे थे, जो सामने आने से ये हादसा हुआ है। कौन कौन, हम ये जानना चाहेंगे कौन से अस्पताल में, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ड्राइवर है जो काफी आहत हो गए, तो कौन से अस्पताल में उनको ले जाया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स ने उनको उनकी हालत को लेकर क्या कहा है। ये राजसमंद का आर के जिला अस्पताल है, जहाँ पर ड्राइवर को इस दौरान भर्ती कराया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। देखिए, अगर बात करें प्रमोद, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आम लोगों की एक रक्षा तो छोड़िए, पर डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मैं बात कर रही हूँ, उनके आगे तो स्कॉट भी चलती है, काफिला चलता है गाड़ी का, पर इतना भीषण एक्सीडेंट, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरकार लापरवाही के कारण क्या था। जी जी, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक इसमें नजर आ रही है कि एक रोड पर इस तरीके से बैल है जो आपस में थे और अचानक काफिले के सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। जी, हम साथ में जानना चाहेंगे कि प्रमोद, की कहां का ये हादसा बताया जा रहा है, कौन सी जगह का, कहां पर ये हादसा पूरा हुआ है, और कैसे कैसे फिर आगे की कार्रवाई हुई। जी मैडम, ये राजसमंद के आगरिया रोड पर ये जो हादसा हुआ है, जहाँ पर दो बैल आपस में झगड़ रहे थे और कार के सामने अचानक आए, आगरिया की ये घटना बताई जा रही है। तो क्या दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ, माफी चाहूंगी, वो आ रही थी तब ये घटना हुई है या जाते वक्त ये घटना हुई है? आते वक्त ये घटना हुई थी मैडम। अब उनका काफिला यहाँ से निकल चुका है और जयपुर के लिए रवाना हो चुका है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अस्पताल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं काफी भीड़ इकट्ठा हुई है, तो मेरा सवाल आपसे ये है प्रमोद कि कौन कौन मिलने के लिए पहुंचा अस्पताल में, कोई बड़ा चेहरा सामने आया है? जिला परिषद सीओ समेत उनके जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त आरके अस्पताल में पहुंचे हैं और ड्राइवर का इलाज जारी है। देखिए, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि थोड़े समय पहले अगर हम बात करें प्रमोद, तो दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, अब फिर से एक बार अगर हम बात करें तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट, तो क्या कुछ देखने को मिला है?
एक्सीडेंट हुआ था उस समय रिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है वहां पर उनसे मिलने के लिए भी पहुंची थी और उसी के बाद ये एक एक्सीडेंट और हुआ है उनके काफिले में शामिल गाड़ी का। तो क्या कुछ कहें इसमें, तो कहने का मतलब है कि ये एक्सीडेंट के बाद जो है जिस तरीके से आपसे जानकारी मुझे मिली है कि प्रशासन थोड़ा एक्टिव मोड पे नजर आया है। जी मैडम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद, हम आपको देना चाहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर हमें तमाम जानकारी दी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें जो ड्राइवर है वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उसके बाद उन्हें जो अस्पताल है निजी अस्पताल में समीप अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका जो इलाज है वो लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स ने जो उनकी हालत है फिलहाल के लिए गंभीर बताई है। आपको बता दें एक सभा को संबोधित करके आ रही थी, कार्यक्रम को संबोधित करके आ रही थी और उसके बाद ये जो पूरा हादसा है ये हुआ है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहो और देखते रहे न्यूज 21। नमस्कार।